friends, in this video we will discuss about the very important topic. This is that to find the difference between distance and displacement. बहुत सारे बच्चों की comments आई हमारे पास कि sir distance क्या होता है, displacement क्या होता है, तो उसके बारे में हम इस video में discuss कर रहे हैं. First we will discuss about distance and then after we will discuss about displacement. We will solve your problem in same only one example. So we will study about the distance first. What is the distance? अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? So distance क्या होता है? इसका first and important clue समझ लीजिए, बस बाकी काम खत्म. Distance होता है total covered path by moving object. इसको समझो ध्यान से. Total covered path by a moving object मतलब पूरा जो पथ मतलब रास्ता कवर किया है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट ने, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल, अ पर्सन इज एट द पॉइंट ए, एक ए पॉइंट पर है और वो चलना स्टार्ट करता है और एक बी पॉइंट तक पहुंच जाता है जो कि 5 किलोमीटर दूर है. तो जो ये टोटल कवर्ड पथ है मतलब फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड इट इज हियर 5 किलोमीटर, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट क्लू समझ लीजिए कि जो पॉइंट है ना जहां से शुरू करता है कोई ऑब्जेक्ट चलना, जहां से शुरू करता है उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल पॉइंट, जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है और जहां पर रुक जाता है जाकर उसको बोलते हैं उसकी फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह डिस्टेंस को क्लियर करता है कि टोटल एक्चुअल कवर्ड पथ बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस इज डिस्टेंस. एंड सेकंड, अब हमारी बात आ गई है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, जो कि बिल्कुल कुछ कुछ लगता है लेकिन बिल्कुल अलग है. सेम लगता है ना लेकिन अलग है, बिल्कुल अलग है. देखिए कैसे अलग है. इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट, ग्रामर को यूज करेंगे भाई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अरे इसका मतलब ये डिस्टेंस ही है हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस कहां से कहां तक भाई? बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन. ओह माय गॉड, पोजिशन मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन. डिस्प्लेसमेंट है सबसे छोटा रास्ता, मतलब सबसे कम दूरी जो कि उसके फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन के बीच में रही है. अब यार इसका एग्जांपल बड़ा टफ सा पड़ेगा लेकिन हम अभी सिंपल सा लेंगे. देखिए ये पॉइंट था ए, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट था ए पॉइंट पर, वो चला 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 चला, वो लगभग 5 किलोमीटर चला. समझ में आया कितने किलोमीटर? चलो इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है? 4 किलोमीटर कर लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं, ठीक है? पहले वो 4 किलोमीटर चला, उसके बाद उसने एक टर्न लिया, किस साइड में? नॉर्थ में, और वो 3 किलोमीटर और चला और वो एक पॉइंट था सी पर पहुंच गया. पहले बी पर पहुंचा फिर सी पर पहुंचा. समझ में आया? तो हम इसी एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है. तो अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्टेंस की, तो मैंने बोला है डिस्टेंस का टोटल कवर्ड पथ बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. इसकी पहले आप देखेंगे इनिशियल पोजीशन का थी वो यहां भी, यहां से चला 4 किलोमीटर, चलो भाई 4 किलोमीटर चल चुका है, टोटल है, सिंपल सी बात है, प्लस करेंगे. फिर वो बी से आगे और चला, दैट वाज 3 किलोमीटर, बस वो फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया. टोटल कवर्ड पथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन दैट इज 7 किलोमीटर. इसका मतलब उसका डिस्टेंस जो था वो 7 किलोमीटर था. लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो थोड़ा अलग है. सेम एग्जांपल, ए पॉइंट पर था, 4 किलोमीटर चला, उसने एक टर्न लिया नॉर्थ साइड में और वो 3 किलोमीटर चल के
रुक गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, हमने क्या डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन दिस इज एंड दैट इज फाइनल पोजिशन, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा जो घूम गया हूं, नहीं नहीं ये वाला होगा सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द ए एंड सी। तो ये कितना आएगा, इसके लिए हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, दैट इज बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आई कॉल BC, AB दैट इज 4 किलोमीटर, द स्क्वायर ऑफ 4 किलोमीटर एंड BC इज 3 किलोमीटर, देन 4 4 इज 16 एंड 3 3 इज 9 एंड 16 प्लस 3 इज 25, AC स्क्वायर इसका रूट लेंगे AC equal to 5. Then the shortest distance, this is 5 kilometer. Then we can say the displacement is 5 kilometer. आप देख सकते हैं कि distance 7 kilometer आया था, same question का displacement आया 5 kilometer. इसका मतलब है दोनों अलग हैं. और क्या क्या अलग है? Total covered by the moving object, जहां से शुरू हुआ और जहां तक पहुंच गया वो last का point, वो distance होगा. लेकिन चाहे वो कहीं भी घूमा, उसका शुरू और लास्ट वाले पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी होगी वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, मैं यहां खड़ा हूं अपने कोचिंग में और अपने कोचिंग से मैं 3 किलोमीटर दूर एक प्लेस पर गया, टेंपल पर गया, 3 किलोमीटर चल के गया हूं वापस फिर कोचिंग पे आता हूं, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा, कोचिंग टू टेंपल 3 किलोमीटर, टेम्पल टू माय कोचिंग इज आल्सो 3 किलोमीटर, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 3 विल बी 6 किलोमीटर। बट इफ यू विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट देन इट इज 0, बिकॉज आई विल हेयर एज ए इनिशियल पॉइंट, आई एम हेयर एज ए फाइनल पोजिशन, मैं यहीं था और यहीं हूं, मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फिजिक्स लाइव।